मध्य प्रदेश कांग्रेस से बदल की प्रदेश और जिला इकाइयों को भंग कर दिया गया है। जल्द ही नई इकाइयों का गठन किया जाएगा। मंगलवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस से बदल के अध्यक्ष सतेंद्र यादव ने पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 31 मई को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सेवादल की बैठक होगी। वहीं इस दौरान उन्होंने आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेवादल की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं की जा सकती। उनकी टोपी काली है, उनका चरित्र काला है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया था, जबकि कांग्रेस सेवादल ने आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों के साथ आंदोलन किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालजी देसाई जी के निर्देश पर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवादल की कार्यकारिणी और पूरे प्रदेश के समस्त जिलों की कार्यकारिणी को भंग किया जा रहा है और 31 तारीख को हम लोग यहां पर पूरे प्रदेश के हर जिले के लिए एक एक पर्यवेक्षक नियुक्त करने जा रहे हैं। उसकी बैठक यहां पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 11 बजे से आयोजित है। सर, कलर काला रंग एक शोक का प्रतीक होता है। उनकी टोपी काली है, उनका चरित्र काला है। हमारी टोपी सफेद है, हमारा चरित्र, हमारी कथनी करनी स्वच्छ और साफ है। देश के आजादी में 1926 से लेकर 1947 तक जिन लोगों ने छिंगले नहीं कटाई वो शहीदों और राष्ट्रभक्ति का तगमा लेते हैं, इसलिए ये प्रश्न बेईमानी मानता हूँ। हमारे बहुत से सेवादल के सिपाही, सेवादल संगठन का गठन इसी बात को लेकर हुआ था कि जब अंग्रेज कांग्रेसियों को प्रताड़ित करें तो प्रताड़ना से परेशान होकर लोग अपनी जुबान को न खोलें। लेकिन ये आरएसएस के लोग हमेशा हमारे कांग्रेस के साथियों की मुखबरी करते आए थे, उनको प्रताड़ित कराते आए थे, उनके खिलाफ केस दर्ज कराते आए थे और ब्रिटिश हुकूमत के साथ खड़े होते थे। इसके बाद जब देश आजाद होता है तब से लेकर मुझे याद है 2007 तक हुबली में जब उमा भारती जी को राष्ट्र ध्वज फहराने के मामले में, उस डेट के पहले तक आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी कार्यालय में राष्ट्र ध्वज को नहीं फहराया गया। उनने कभी राष्ट्रगीत का गान नहीं किया, उनने कभी वंदे मातरम का गान नहीं किया। और आज एक छद्म देश के अंदर एक छद्म सीन क्रिएट किया जा रहा है राष्ट्रभक्ति का, इसलिए इस प्रश्न को मैं बेईमानी मानता हूँ। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।